जय श्री राम, जय जय श्री मनारायण, जय बागेश्वर धाम, जय श्री मनारायण, जय श्री मनारायण। बताऊंगी आपका चर्चा हो रही है। कहाँ से हो आप? यही दीनदयाल नगर से। सागर, बहुत अच्छा। हम तो चर्चा ही करने आए हैं, आज्ञा कर। कुछ नहीं गुरु जी, बड़े प्रसन्न हैं, हमारे ऊपर नारायण जी की बहुत कृपा है। ऐसे ही बनी रहे, आप पे जैसी बनी वैसी हम पे भी बन जाए। ऐसी कोई अगर प्रार्थना हो, उपाय हो, जैसे आपने पाई वैसे हम लोगों को भी बता दो कि जैसा तुमने माइक लेके कहा ऐसी जितने यहाँ जीव बैठे हैं ये भी ऐसा कह पाए। का तो आपने ऐसा क्या किया है कि आपने माइक लेते यही कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है? ऐसा कैसे संभव? हाउ पॉसिबल? सर गुरुजी, ऐसा है कि हमारे साथ हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, दादा दादी का आशीर्वाद है, वो तो हम पे भी, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, हमारे नारायण जी का आशीर्वाद है। कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता तो संकेत मिल जाता है और काफी बुरा हो चुका है। आप उनसे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं और कैसे जुड़े थे? केवल एक ही आराधना करते हैं और श्रीमन नारायण का जप करते हैं और जाप के प्रभाव से। और गुरु जी ने हमारे मंत्र दिया हुआ है, जिसकी गुरु के प्रति निष्ठा अटूट होती है वो माइक पकड़ते हुए ऐसा ही बोलता है। बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी, अगर आप भी माइक पकड़ के यही बोलना चाहते हो तो बाकी खूब कृपा है, ऐसा बोलना चाहते हो अभी तो जबरदस्ती में मत बोल देना फिलो फिलो में। सच में अगर कोई कीड़ा भीतर काट रहा हो तो निकाल देना। बाकी अगर ऐसा बनना है तो इनके जैसे चरित्र को, जो भगवत भक्ति का चरित्र उन्होंने उतारा है अपने जीवन में, उसको आपको भी उतारना पड़ेगा। बाकी नहीं, केवल भगवत भक्ति का चरित्र, उसको आपको जीवन में, निज जीवन में उतारना। धन्यवाद, बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिए सदा। जी जी, ऐसे ही मुस्कुराते रहो जी। बागेश्वर धाम की जय। श्री गुरु।